भाई जनमानस में तो ये प्रश्न है कि भाई चंपई सोरेन जी को हटाना क्या इतना जरूरी था? 2 महीने ही बाकी थे चुनाव जीत करते, अगर जीतते तो आपको वापस मुख्यमंत्री बनते, लेकिन उनको भी मालूम है कि इस बार जनता उनको वापस जिताने वाली नहीं है, इसलिए 2 महीने भी वो सत्ता से दूर क्यों रहे, वो सार सत्ता अपने पास केंद्रित करना चाहते थे। और खास करके इस हेमंत सोरेन जी तक मुखौटा है, उनके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, जो सत्ता के मेन खिलाड़ी हैं, वो लोग सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर इनको वापस सत्ता में बैठाया है ताकि दोनों हाथों से मुक्त कंठ से इस झारखंड की जनता को लूटे और अपनी तिजोरी खोले। 8 तारीख को विश्वास का मत प्रस्तावित करेंगे और पास भी करेंगे। अगर मैं चुनौती देता हूँ, विश्वास मत प्राप्त करने से पहले आप अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, उसके बाद जाके विस्तार कीजिए। वो नहीं करेंगे, अरे स्वार्थी लोग हैं, भ्रष्टाचार करना उनका डीएनए में है, तो चाहेंगे कि भाई हम पहले अपने किलाबंदी कर ले, उसके बाद लूट चालू करें। अब ये तो जनता बताएगी, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भी और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वो कुछ भी हो, बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, गुरु जी के समय के स्थापित नेता रहे हैं, और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत खराब समय थे तब भी वो निष्ठावान होकर के समर्पित भाव से काम करते थे, और इसीलिए जब वो जेल गए तो सबसे पहले उन्हीं को दिया, उन्होंने भी हनुमान बन करके उनकी सेवा करी, जेल हर सप्ताह 2-2 बार जाना, उनका घर का कोई बेटा नहीं जाता होगा जितना बार वो जेल गए होंगे। तो उसके बाद भी जिस तरह से बड़े बेआबरू करके कूचे से तेरे हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी मेरे कम निकले, ऐसा बेइज्जत करके उनको बाहर निकालना, झारखंड की जनता इसको बहुत खराब दृष्टि से देख रही है, जो फीडबैक आ रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, जनता के मैदान में जाएंगे तो जनता उसका विचार करेगी क्या करना है। हाँ, लूट की यात्रा पे निकलेंगे और विदाई यात्रा भी निकलेंगे, झारखंड की जनता से विदा लेने के लिए वो निकलेंगे, और निकल करके लोगों से सरकारी खर्चे पे विदाई लेकर के जाएंगे अपना जहाँ जाना। 2024 महत्वपूर्ण तो ही है, क्योंकि युवा यहाँ नाराज बैठे हुए हैं, सड़कों पर है, महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके कारण आक्रोश है। कई एक वायदे इन लोगों ने किए थे, 5 लाख रोजगार का वायदा हो, 5,000 रोजगार भत्ता का वायदा हो, पीजीटी और जितने भी जैसे जितने भी घपले घटाले हुए सब लेकर के लोग हैं, और इस बार चुनाव में सर का मैंने रिजल्ट आएगा और इस बार उनको बाहर का रास्ता।